Watchman knee, ministry to the Lord. Watchman knee, Prabhu Let us note at the outset that there is little apparent difference between ministry to the house of the Lord and ministry to the Lord Himself. Many of you are doing your utmost to help your brethren. आप में से कई लोग आपके भाई की जितना हो सकता है उतना मदद करने की कोशिश करते हैं आप जो हैं पापियों पापियों को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और जो कलिशिया है कलिशिया की जितनी भी सेवकाई है उसमें भी आप मदद करते हैं पर well, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ क्या आप अपने आसपास की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं Or have you been seeking to serve the Lord? Ya, yeah, aap Prabhu ki seva karne ki khoj mein lagay hain? Is it your fellow men that you have in view? Ya, yeah, aap ki nazro mein aap ke rehne wale bhai hain? Or is it him? Ya, yeah, Prabhu hai. Let us be quite frank. Work for the Lord undoubtedly has its attractions for the flesh. Is baat ko hum sach mein maan le ki Prabhu ki sevkai mein sharir ki prati aakarshan bhi hota hai. You may be thrilled when crowds gather to hear you preach. And when numbers of souls are saved. If you have to stay at home, occupied from morning to night with mundane matters, then you think, how meaningless life is. यदि आपको घर पे ही रहना पड़े सुबह से लेके रात तक सारे घर के जितने भी अन्य काम काज है उसे संभालते हुए तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा जीवन कितना ही व्यर्थ है How grand it would be if I could go out and serve the Lord. इतना ज़्यादा बढ़िया होता यदि मैं बाहर जाके प्रभु की सेवकाई कर पाता। If only I were free to go around ministering. यदि मैं सच में स्वतंत्र होकर बाहर जाके सेवकाई कर पाता। But that is not

Who busily served in the temple. And yet they were not serving him. They were merely serving the house. However, service to the Lord and service to the house appear so much alike that it is often difficult to differentiate between the two. प्रभु के लिए सेवकाई करना और प्रभु के मंदिर के लिए सेवकाई करना जो है है। एक समानी दिखती हैं कि हमें उसके बीच के अंदर को पहचान पाना बहुत मुश्किल जान पड़ता यदि कोई इज़राइली मंदिर में आता और उसको परमेश्वर की आराधना करना होता तो ये लेवी जो है वे उनके पास आते थे उनकी सहायता करने के लिए ताकि वो अपनी मेल बली और अग्नि बलि परमेश्वर को चढ़ाएं। the और वे उनकी मदद करते कि वे अपनी जितनी भी चढ़ावे हैं वेदी के पास ले जाएं और बलि चढ़ाए ग्रकेज इन ऐसे एक काम में लगे रहना व्यस्त रहना जो है सच में एक बहुत ही बढ़िया काम है और हम जो है पापियों को पापियों को प्रभु के पास लेके आते हैं उनका दावा करते हैं और विश्वासियों को और प्रभु में नजदीक ले आते हैं और परमेश्वर ने ऐसे लेवियों लेवियों की लेखा रखी जो उन लोगों की मदद करते थे जो अपने मेल बलि और अग्नि बलि परिशो को चढ़ाने के लिए मंदिर में आया करते थे। Yet he said it was not to फिर भी प्रभु ने ये कहा कि ये मेरे लिए सेवकाई करना नहीं है। भाइयों बहनों, there is a heavy burden on my heart that you might realize what God is after.

They shall minister unto me. Be, Ezekiel 44:15 The thing I fear most is that many of you will go out and win sinners to the Lord. एक बात जिसका मुझे डर है वो ये है कि आप में से कहीं लोग बाहर जाएंगे और पापियों को बचा लेंगे जीत लेंगे और विश्वासियों को प्रभु में बांधते भी जाएंगे प्रभु के स्वयं की सेवकाई किए बिना ही फॉलोइंग ने जितनी भी सेवकाइया कही जाती है हम प्रभु के लिए करते हैं वो सिर्फ हमारे अंदरूनी इच्छा की ही हम पीछा करते हैं We have such active dispositions that we cannot bear to stay at home. So we run around for our own relief. We may appear to be serving sinners or serving believers, but all the while we are serving our own flesh. हो सकता है कि हम ऐसे दिखाई पड़ते हों कि हम पापियों की सेवा कर रहे हैं या विश्वासियों की सेवा कर रहे हैं परंतु सच में हम अपने शरीर की ही सेवा कर रहे हैं एक मित्र है जो कि अभी प्रभु के पास है एक बार हमारी प्रार्थना के होने के बाद हमने एजेकेल में ये जो अध्याय है बाइबल में उसे हमने पढ़ा

it was twenty years ago that I first studied this passage of Scripture. How did you react to it? I asked. She replied, As soon as I had finished reading it, I closed my Bible and kneeling down before the Lord, I prayed. उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने इस अध्याय को पढ़ना खत्म कर दिया तो अपने बाइबल को मैंने बंद कर दिया और प्रभु के सामने जाकर मैंने घुटने टेके और प्रार्थना की और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे ऐसा बनाइए जो आपकी सेवा करता हो Not to the मंदिर की सेवा नहीं Can we also pray that क्या हम भी ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं But what do we really mean when we talk of serving God or serving the temple? Here is what the word says. But the priests, the Levites, the sons of Zadok that kept the charge of my sanctuary when the children of Israel went astray from me, they shall come near to me.

वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है 44, 15. The conditions basic to all ministry that can truly be called ministry to the Lord are drawing near to Him and standing before Him. जो व्यवस्था परमेश्वर ने रखी गई है सारे सेवकाय के लिए जो कि प्रभु की सेवकाई कहलाई जाती है वो ये है कि प्रभु के निकट करीब आना और प्रभु के समुख खड़े होना और प्रभु की सेवा करना है पर परमेश्वर के सामने अपने आप को खींच के लेके जाना हमारे लिए कहीं बार कितनी ही कठिन बात लगती है हम जो है अकेलेपन में जो है सिकुड़ जाते हैं

काम करना काफी पसंद करते हैं पर हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सच में प्रभु के और निकट करीब जाकर खड़े हो सकते हैं God in the holy of holies. पर जो कि पवित्र पवित्र अति है सिर्फ यदि हम प्रभु के और नजदीक जाएं तो ही हम प्रभु की सेवा कर पाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति के सामने आना और उसके सामने घुटने टेकना For an hour एक घंटे के लिए हमें अन ऑल द स्ट्रेंथ वी पॉसेस और जितनी भी शक्ति हमारे पास है सब सब एक साथ एक एक झुट करके वी हैव टू बी वायलेंट हमें बहुत ही आक्रामक बनना है होल्ड दैट ग्राउंड उस जमीन को पकड़े रखने के लिए बट एवरीवन हु सर्व्स द लॉर्ड नोस द प्रेशियसनेस ऑफ सच टाइम्स पर जितने भी प्रभु की सेवा करते हैं उन्हें ऐसे समय का जो मूल्य है या बहुमूल्यता है वो पता है the of at and an hour in और वो मीठास के बारे में जो कि आधी रात को उठकर प्रभु के सामने एक घंटे भर व्यतीत करना और वेकिंग वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेटिंग अप फॉर एन आवर ऑफ प्रेयर या तो फिर सवेरे एकदम जल्दी उठ जाना और एक घंटा प्रभु के सामने प्रार्थना में बिताना For the final sleep of the night unless we really know what it is to draw near to God we cannot know what it is to serve him it is impossible to stand afar off and still minister to him

You approach the Lord. The passage we have quoted emphasizes not only our need to draw near to God, it also speaks of standing before Him to minister. पर वो इस बारे में भी बात करता है कि हम कैसे प्रभु के समीप समीप सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा करें Today we want to be on. आज हम चाहते हैं कि लगातार हम आगे बढ़ते जाएं we stand still. हम कभी भी निश्चल खड़े नहीं हो पाते बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे ध्यान का दावा करती हैं और हमेशा हम लगातार आगे बढ़ते ही रहते हैं We stop for a हम एक क्षण के लिए भी रुक नहीं पाते हैं But a knows how to stand still. पर एक आत्मिक व्यक्ति को पता होता है कि कैसे निश्चल खड़े रहना है वो तब तक परमेश्वर के सामने खड़े हो सकता है जब तक प्रभु उनकी इच्छा को उसे बता न दें वह खड़े होकर आदेशों का इंतजार कर पाता है You who are leaders need to particularly consider this. Can you be persuaded to call a halt and not move for a little while? That is what is referred to here. Stand and minister unto me. Don't you think that a servant should await his master's orders? Before seeking to serve him? The sin of presumption. There are only two types of sin before God. One is the sin of refusing to obey when He issues orders. पहला पाप है कि जब हमें देते हैं तो उस आदेश को करने से मना कर देना. The other is the sin of going ahead. When the Lord has not issued orders. One is rebellion. एक बलवा करना है the other is presumption. दूसरा अनुमान लगाना है एक ऐसा है जो परमेश्वर परमेश्वर जो चाहते हैं उस कार्य को ना करना दूसरा जो है उस कार्य को करना जो कि परमेश्वर परमेश्वर की इच्छा में ही ना हो

कितने ऐसे कार्यों को किए हैं जो कि सच में परमेश्वर के गए आदेश के अनुसार ही हो। how much have you done of his आपने कितने ऐसे कार्यों को किया है जो कि सच में परमेश्वर से सीधी मिली गई उस आदेश के अनुसार होटू या तो फिर कितने आपने ऐसे कार्य किए हैं जो कि आपने इसलिए किए हैं क्योंकि वो कार्य करने के लिए अच्छा था इसलिए Let me tell you that nothing so damages the Lord 's interests as a good thing. मैं things एक बात को hindrance चाहता हूं कि कोई भी ऐसी चीज जो है को Good things are the greatest hindrance to the accomplishment of His will. भले कार्य जो है के बड़े- बड़े इच्छा को पूरी करने के लिए बड़े

इच्छा इच्छा के 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 अनुसार करने वाले कार्यों लिए कोई भी रुकावट रुकावट नहीं बनती है, जितने के हैं, जितने भले कार्य बनते आपको ऐसा लगता है कि ये कार्य तो गलत नहीं होगा तो फिर वो जो कार्य करना है वो सबसे उत्तम काम है करने के लिए सो यू एक्शन

That thing you contemplate doing may be very good. कर कर but are you standing before the Lord? पर awaiting His command. Regarding it. They shall stand before me. Involves halting in His presence. वो इस बात बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के सामने कैसे निश्चल रहना है शांति से रहना है और जब तक परमेश्वर अपने आदेश आदेश दे न दे तब तक बिना हिले वहाँ से हिलने के लिए नकार देना That is what ministry to the Lord means. तो प्रभु के लिए सेवकाई करने का मतलब यही है। In the outer court, it is human need that governs. बाहरी आंगन में जो है मनुष्यों की जो जरूरत है वही राज करती है कोई भी व्यक्ति यदि उसका उसके भेड़ को या बैल को ले आता है बलि चढ़ाने के लिए तो वहां पे आपको कार्य करना होता है But in the place, there is utter पर एकदम पवित्र स्थान में अति पवित्र स्थान में वहां पे अकेलापन है शांति है दर्शन्स आल्सो कम्स इन एक भी प्राण वहाँ पे नहीं जा सकता no यहां पे कोई कोई भाई या बहन हमारे हमारे ऊपर राज नहीं नहीं करता। हमारे कामकाज को संभालने के लिए कोई कमिटी नहीं होती और सबसे पवित्र स्थान में सिर्फ एक ही अधिकार होता है वो है परमेश्वर का अधिकार या हुकूमत

we are required to offer him the fat and the blood हमें चाहिए कि हमें हम उसको चर्बी और लहू चढ़ाएं the blood answers the demands of his holiness and righteousness और जो लहू जो है वो परमेश्वर के पवित्रताई और धार्मिकता धार्मिकता का मांग करता है the fat meets the requirements of his glory और जो चर्बी होती है वो परमेश्वर के महिमा की जरूरत को पूरा करता है the blood deals with the question of our sin hai. the fat deals with the question of his satisfaction the blood. Hai. blood removes all that belongs to the old creation the fat brings in the new. और जो लहू जो है वो पुराने सृष्टि की जितनी भी बातें हैं उसे वहां से हटा देता है 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 और चर्बी जो जो नई नई चीजों को ले आता है, को ले ले आता आता सृष्टि ये जो सेवकाई है, वो कोई एक स्थान के लिए ही आयोजित किया गया

Ministry without sweat. The same passage tells us how they must be clothed who would minister to the Lord. They shall be clothed with linen garments, and no wool shall come upon them, while they minister in the gates of the inner court and within.

कुछ ऊन के वस्त्र ना पहने वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर कमर में सन की जांगियां बांधे हों किसी ऐसे कपड़े से वे कमर ना बांधे जिससे पसीना होता है एस्केल चवालीस अध्याय उसका अठारह वचन Those who minister to the Lord may not wear wool. जो कोई भी प्रभु की सेवा करता हो उसे ऊन के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। Why not? क्यों नहीं? The reason is given. यहां पे उसका कारण बताया गया है They shall not with that sweat. वे ऐसे कोई भी कपड़े से अपने कमर को ना जिससे पसीना होता हो नए के अनुवाद में। no work that sweat is to the Lord. कोई भी ऐसा काम जिसके द्वारा पसीना होता हो वो परमेश्वर उसे uh, अंकीकार नहीं करते हैं well, what does sweat signify? तो पसीना किस चीज को दर्शाता है We all know that the first occasion when sweat is mentioned was when Adam was driven from the Garden of Eden. हम पहली बार बाइबल में एक अध्याय में देखते हैं कि सबसे पहली बात जब पसीने का जो जिक्र किया गया है वो तब किया गया है जब कि आदम को एदन की वाटिका से बाहर निकाला गया था। After Adam sinned, God pronounced this sentence upon him. Adam ke paap karen ke baad, परमेश्वर ने उसके ऊपर ये दंड घोषित किया. Cursed is the ground for thy sake; in toil shalt thou eat of it all the days of thy life. In the sweat of thy face shalt thou eat bread. Genesis 3:19. उत्पत्ति तीसरा अध्याय उसका उन्नीसवा वचन और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा. और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा ये बात हमें स्पष्ट दिखाई देती है जो पसीना है वो श्राप का एक नियम है the curse on the क्योंकि जो श्राप है वो भूमि पर आ पड़ी

और बहुत बहुत ही कम ऐसे मसीही हैं जो कि कोई भी ऐसे कार्य को कर सकते हैं बिना कोई पसीने के। और उनके काम में योजनाएं बनाना, यहाँ-वहाँ भागे फिरना और उत्साहित करना, बिंती करना ये सब कुछ शामिल होता है। It Nowadays, there is no sweat, there is no work. Before work for God can be undertaken, there is a great deal of rushing to and fro, making numerous contacts. परमेश्वर के कार्य को करने से पहले बहुत सारे यहाँ वहां भागने का काम होता है बहुत सारे लोगों से संपर्क बनाना पड़ता है और बहुत सारे चर्चा करने पड़ते हैं और सलाह लेनी पड़ती है आखिरकार बहुत सारे बहुत सारे लोगों की अनुमति लेनी पड़ती है आगे आगे बढ़ने से पहले

But it is work that produces no sweat. If we have to advertise our ministry and use great effort to promote it, then it is obvious that it does not spring from prayer in the presence of God. यदि हम हमारी सेवकाई या सेवाओं की हमें विज्ञापन देना पड़ता है प्रदर्शन करना पड़ता है लोगों के बीच हमें उसके बारे में बताना पड़ता है तो ये बात हम निश्चित कर लें ये ऐसी सेवकाई नहीं है जो कि परमेश्वर के, के सम्मुख की गई प्रार्थना के द्वारा उभर आया हो If you really work in God's presence, यदि आप सच में परमेश्वर की उपस्थिति में काम करेंगे Men will when you come into their जब आप उनके सम्मुख आएंगे तो मनुष्य आपके प्रति प्रत्युत्तर देंगे You will not have to use endless means in order to help them. Spiritual work is God's work. And when God works, man does not need to expend so much effort that he sweats over it. Let us, in utter honesty, examine ourselves. For God today, let us ask Him. Am I serving You? Or am I merely serving the work? Is my ministry truly unto You, Lord?

If all your busyness is related to human need, you may know that you are serving men, not God. I am not despising the work of slaying sacrifices at the altar. It is work for God, and someone has to do it.

परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए बहुत सारे लोगों को नियुक्त तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके स्वयं के जो लोग हैं वे बाहरी आंगन के कामों में ही ज्यादा उत्सुक हैं और उसमें ज्यादा उत्तेजित रहते हैं और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। They are bent on the वो मनुष्यों की सेवा करने में झुक चुके हैं। बट पर, पर हमारे बारे में क्या? ओह दैट टुडे वी माइट से टू द लॉर्ड आई एम विलिंग टू फॉरसेक थिंग्स हाँ, यदि हम ये परमेश्वर परमेश्वर से कहने के लिए तैयार हो कि मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ने त्यागने के लिए तैयार हूँ मैं काम को त्यागने के लिए तैयार हूँ and... मैं बाहरी आंगन को त्यागने के लिए तैयार हूँ Serve you। और मैं आपकी सेवा करूँ इन in ताकि मैं आपकी सेवा पवित्र स्थान में कर पाऊ When God could find no way to bring all the Levites to the place of ministry to Himself, he chose the sons of Zadok. From among them were this special service. Why did he select the sons of Zadok? परमेश्वर ने जदोक के पुत्रों को क्यों चुनाई सेवा के लिए क्योंकि जब इजराइल की जो संतान है वो भटक गए थे तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो पहाड़ी आंगन है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है सो दे डिड नॉट सीक टू प्रिजर्व

मैं के, कलिशिया के जो नबी और जो अगुवे हैं उनके बारे में पढ़ना पसंद करता जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की सेवा करके उपवास किया तब पवित्र आत्मा ने उनसे कहा me and Saul. मेरे लिए लिए और को अलग करो For the work I have them. उस काम के जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है Acts 13, 2.

Isli karenge, ke, wo cha, par, chahi, ke, karai, work of the lord is suffering serious damage today at the hand of volunteers it lacks those who can say as he did he that sent me और परमेश्वर के काम जो है ऐसे लोगों के हाथों में नष्ट हो रहा है ख़राब हो रहा है जो कि स्वयं सेवक हैं और ऐसे लोग नहीं हैं जो ये कह पाते हैं कि मैं इस काम को कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसने भेजा है Brothers and sisters, the work of God is God's own work. भाइयों बहनों परमेश्वर का जो काम है परमेश्वर के परमेश्वर का स्वयं का काम है. And not work that you can take up according to your pleasure. और ऐसा काम नहीं है जो आप अपने सुख के लिए हाथ में ले सकते हैं churches, nor nor bands can... कोई कोई नहीं नहीं ले ले सकता सकता उसे उसे हाथ हाथ में मिशनरी समाज या तो फिर कोई प्रचारकों का समूह उसे अपने हाथ में नहीं ले सकता And send men to work for God. और वो लोगों को परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं परमेशन मैन और मनुष्यों को नियुक्त करने का जो अधिकार है वो मनुष्यों के हाथ में नहीं है वो 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 जो जो काम है, वो अधिकार जो है है। अधिकार परमेश्वर परमेश्वर के के आत्मा हाथों में की सेवा करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम मनुष्यों की सेवा ना करें इट डज मीन basis. परंतु ये इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी सेवा हम मनुष्यों के प्रति करते हैं वो परमेश्वर की सेवा से ही बुनियाद रखता हो It is that urges us out, परमेश्वर की सेवा ही है जो हमें मनुष्यों के प्रति सेवा करने के लिए प्रेरित करता है दुख 17 7 से 10 लुका अध्याय 7 से लेकर 10 हमें बताता है। वहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से हमें ये बताया जाता है कि परमेश्वर क्या हाँ चाहते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के कामों के बारे में बताया गया है। the field and the flock. जमीन की जमीन को जोतना और बेड़ों की रखवाली करना। दोनों बहुत महत्वपूर्ण अवैधानिक हैं। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं। फिर भी प्रभु कहते हैं कि ऐसा कोई भी दास जो ये काम करके वापस घर लौटता हो, He is to for his उसे चाहिए कि वो पहले अपने मालिक या स्वामी को तृप्त करें, इससे पहले कि वो बैठकर अपने भोजन का आनंद लें। When we have returned from our toil in the field we are apt to muse complacently on the much work we have accomplished. हम जब खेत के मेहनत के बाद वापस लौटते हैं तो हमने जितने भी काम किए हुए होते हैं उसके बारे में सोचकर संतुष्ट रहते हैं. But the Lord will say, पर प्रभु हमसे कहेंगे, gird yourself and give me to eat. अपना कमर कसो और मुझे खाने के लिए दो. He requires ministry to himself. वो अपने लिए सेवकाई चाहता है. We may have labored in a wide field and cared for many sheep but all our toil in the field and among the flock does not exempt us from ministry to the lord's own personal satisfaction But all है खेत में काम करने के among या की does करने द्वारा की हो ministry छूट नहीं देता That is our task. वो हमारा सर्वोच्च काम है What are you really after? आप किस बात का पीछा करते हैं? Is it only work in the field? क्या वो सिर्फ खेत में काम करना है? है, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उनको प्रचार सुनाना है या तो फिर भेड़ों की रखवाली करना, जो कि बचाए हुए हैं, उन उनके जरूरतों का देखभाल करना। seeking, या तो फिर हम ये देखते हैं, इस बात पर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर जब तक उनका उनका भूख नहीं मिटता तब तक खा लें, या तो फिर जब तक उनकी प्यास नहीं बुझती तब तक पी लें। True, it is necessary for us also to eat and drink. ये सत्य है कि हमारे लिए भी खाना पीना जरूरी ही है। But that be till after the Lord is पर वो तब तक नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर स्वयं समत्रित ना हो। We too must have our हमें भी अपना आनंद उठाना चाहिए। पर वो तब तक नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर के परमेश्वर परमेश्व का जो आनंद है वो पूरा हो पाए। Let us ask ourselves Does our work minister to our satisfaction or to the Lord's? I fear that when we have worked for the Lord, we are often thoroughly satisfied before He is satisfied. मैं इस बात से डरता हूँ प्रभु के लिए काम करते हैं परमेश्वर के उस काम को लेकर संतुष्ट होने से पहले ही हम हम उस काम को लेकर संतुष्ट हो जाते हैं। बार अपने काम के लिए बहुत ही खुश हो जाते हैं जबकि परमेश्वर ने उस काम में कोई आनंद नहीं पाया हो प्राप्त नहीं होता कहीं बार कठोर परिस्थितियों के बाद ही हम परमेश्वर की सेवकाई के बीच में और परमेश्वर के घर के सेवकाई के बीच के जो फर्क है उसका उसको सीख पाते हैं परमेश्वर परमेश्वर की हम, से हम अनुग्रह मांगे कि प्रभु हमें इस बात को प्रकट करके दे कि सच में परमेश्वर की सेवकाई करने का मतलब क्या होता है